हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा था हर्षवर्धन ने। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक हॉल है जिसमें 192 चिल्ड्रन है, उनको बिठाया गया है रोज और कॉलम्स। ना रोज क्या होता है, जब आपको इस तरह से आपकी सिटिंग हो ना, ऐसे यहाँ पर आपकी सिटिंग लगा रखी हो, ऐसे सीट्स लगा रखी हो आपकी, राइट। तो ये एक रो है जिसमें मान लीजिए 6 लोग बैठे हुए, राइट। ऐसी शादियों में ऐसे अरेंजमेंट होता है, आपने नोटिस किया होगा, राइट। ऐसे अरेंजमेंट होता है शादियों में, या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे लगा दो, ऐसे ऐसे करके अरेंजमेंट कर दो। और यहां पर ये सीट है, एक फिर ये सीट है, फिर ये सीट है, ऐसे आगे पीछे करके भी होता है अरेंजमेंट, राइट। ऐसे करके तो ये कॉलम होता है। तो याद रखो, आपको कभी भी टोटल नंबर निकाल लेना वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, तो आप रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए देखिए यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ टोटल 12 लोग बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, 3 इधर बैठे हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा। मान लो और 4 डाल दो, तो 4 इधर बैठे हैं, 4 इधर 4 4 16, टोटल 16 लोग हैं। तो हमेशा आपको जब भी टोटल नंबर ऑफ निकालना है किसी का भी, तो आप रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज है ना वो कितनी ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 4 ज्यादा हो जाएंगी, 4 ज्यादा हो जाएंगी, x+4 हो जाएंगी। और इनको मल्टीप्लाई करने पर 192 आ रहा है इनका टोटल, राइट। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पता चल जाएगा कि कॉलम में कितने बच्चे हैं, राइट। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, ये सोचने वाली बात है। मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर यह है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दोनों में 4 का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो मैं 192 को तोड़ लेता हूं। मान लो ये 12 के टेबल में आ रहा है, तो 12 1 12 7 72 72 12 सीधा 72। आप देखो, अगर एक्स की वैल्यू 12 होती तो ऑब्वियसली बात है 12 प्लस 4 अपने आप 16 आ जाती दूसरी वैल्यू, और दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 192 आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 12 ही होनी चाहिए, इसका मतलब हर कॉलम में 12 स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए। तो इस तरह से काफी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को किया जा सकता था विद सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एल्जेब्रा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ भी आएगा, अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे एवरीवन। थैंक यू सो मच।